नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। पहली पारी में लड़खड़ाई भारतीय टीम को अश्विन जडेजा ने संभाला। मोहाली में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है तीसरा टेस्ट मैच, मैच का आज तीसरा दिन। एशियन क्रिकेट परिषद की 17 दिसंबर को कोलंबो में बैठक, बैठक में भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज पर कर सकते हैं बात। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण लंबे समय से नहीं खेला गया है कोई मुकाबला। पीवी सिंधु और समीर वर्मा को हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में मिली शिकस्त, लगातार दूसरा खिताब जीतने से चूकी सिंधु। फाइनल में ताइपे की तेई जू यिंग ने सिंधु को और हांगकांग के नक्का लोंग लंगुस ने समीर वर्मा को दी मात। जिम्बाब्वे को हराकर श्रीलंका ने जीती त्रिकोणीय सीरीज। फाइनल में जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हराया। श्रीलंकाई टीम ने गेंद और बल्ले दोनों से किया उम्दा प्रदर्शन। और हार के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने गवाई सीरीज, ऑस्ट्रेलिया से मिली हार। निर्णायक मैच में कंगारू टीम ने 1-3 से दी मात। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।